हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को मैं खुद पे और अपने बच्चों पे पिक्चराइज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे टीनेजर हैं और ये वीडियो छोटे बच्चों और उनकी मॉम से रिलेटेड है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड सम टिप्स विद द हेल्प ऑफ सम अदर पिक्चर्स। छोटे बच्चों के साथ घर के काम को मैनेज करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता क्योंकि ये वो टाइम है जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेवल पीक पे होता है और समझ में कुछ आ नहीं रहा होता कि कौन सा काम करें और कौन सा नहीं, कौन सा पहले करना है और कौन सा उसके बाद। मेरे जैसी लेडीज़ जो उस फेज से अब बाहर आ चुकी हैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें आपको अपने बच्चों के बिहेवियर घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद ही मैनेज करनी होंगी क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है, इट्स लाइफ और यहाँ सब प्रैक्टिकल ही होता है। इस फेज में मदर का बहुत सा टाइम तो बच्चों की प्रोटेक्शन, उनकी फीडिंग, टीचिंग, उनके कम्फर्ट और उनके पीछे पीछे भागने में ही निकल जाता है और उसके बाद बचे हुए बहुत ही कम टाइम में आपको घर के बाकी काम जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड खुद को रिलैक्स करना भी आता है। आप कोई सुपर वुमन हो सकती हैं लेकिन कोई रोबोट नहीं कि काम परफेक्टली और परफेक्ट टाइम पे कर दें। छोटे बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है, सो इस टाइम पे अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचान के काम को मैनेज करना इज़ अ की ऑफ मैनेजमेंट। रैंडमली कुछ भी काम करते रहने से टाइम और एनर्जी दोनों ज़्यादा लगते हैं और प्रोडक्शन कम होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिस्ट में क्या क्या है। क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड चाइल्ड्स टेक केयर। अब इसी चीज़ को हम प्रायोरिटी मैनर में लिखते हैं तो चाइल्ड्स टेक केयर पहले आती है, उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, देन कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। अगर आपकी भी प्रायोरिटी लिस्ट मेरे साथ मैच करती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से इस टाइम पे बच्चे की केयर करना दूसरे किसी भी काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम किसी भी काम को बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का मतलब अपने और बच्चे के बीच के कनेक्शन को लूज़ करना है। अगर आप चाहती हैं कि हमेशा आपके साथ आपके बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग बना रहे तो प्लीज़ उसके फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट्स की केयर करें। काम ख़त्म करने के चक्कर में ना तो अपने बच्चे को बार बार फोर्सफुली सुलाने की कोशिश करें और ना ही उसे किसी अदर मेंबर के साथ बाहर जाने के लिए पुश करें क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं लेकिन बच्चों का बचपन एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों तो स्ट्रेस हो जाना नॉर्मल है। स्ट्रेस से बचने के लिए खुद को इम्पॉर्टेंस देना सीखें। एक्टिव बने रहने के लिए वॉक, रन, डांस या जो भी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो वो ज़रूर करें, चाहे वो 15 मिनट्स का फिटनेस रूटीन ही क्यों ना हो। कुछ नहीं तो 10 मिनट्स डीप ब्रीथ एंड 5 मिनट्स मेडिटेशन, इससे आप बहुत बेटर फील करेंगी और आपका बेटर फील करना आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि डीप ब्रीथ करने से स्ट्रेस के साथ साथ मसल टेंशन भी रिलीज होता है। माइंड को क्लियर और काम करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। 1 से 2 साल तक के बच्चे रात में 10 से 11 घंटे की नींद लेते हैं। इसके अलावा दिन में 2 नैप्स, जिसमें से 1 नैप खुद को रेस्ट करने के लिए और दूसरा नैप उस काम के लिए यूटिलाइज कर सकती हैं जो आप उनकी प्रेजेंस में नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है देन प्लीज़ मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट डेली क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट की हेल्प से ही आप उसके स्कूल आवर्स को अपने इंपॉर्टेंट कामों में यूटिलाइज कर सकती हैं। मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि आपकी कुकिंग घर के किसी दूसरे मेंबर की प्रेजेंस में कंप्लीट हो जाए, बट उसके लिए डेली का मेन्यू और प्रीपरेशन यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन को पील करके रखना, पोटैटो बॉयल करके रखना और कुछ वेजेस को कट करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। घर पे कोई ना भी हो तो भी बच्चे को चाइल्ड कैरियर में बिठा के उसके साथ बातें करते हुए काम किया जा सकता है। कोशिश करें कि बच्चा बिजी रहे और उसे एंगेज रखने के लिए बहुत सारे टॉयज़ रखने की बजाय कुछ ब्रेन टॉयज़ जिनसे इंजॉयमेंट और लर्निंग दोनों में हेल्प मिल सके उनका यूज़ कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों के बचपन में न जाने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ डाली थी। उनको खाना खिलाना होता या घर का कोई काम, मैं उन्हें स्टोरी सुनाती रहती और काम भी करती रहती थी। स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट मेथड है बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने का और ईजी वे में अपना काम ख़त्म करने का, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका बच्चा एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। और जॉइंट फैमिली में रहने का ये एडवांटेज मुझे मिला क्योंकि मेरे इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव थे। वॉशिंग की बात करें तो ऑटोमेटिक मशीन्स ने लॉन्ड्री काफ़ी इजी कर दी है। बच्चे छोटे हैं तो एवरी नाइट सोने से पहले एक लोड ज़रूर लगा दें, इससे नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आपका एक काम ख़त्म हो जाएगा। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि सेमी थी, तब भी मैं उनके सोने के बाद ही क्लोथ्स वॉश करती थी। क्लीनिंग की बात करें तो उसे अल्टरनेट डेज पे किया जा सकता है क्योंकि बच्चे और दूसरे काम प्रायोरिटीज़ में आते हैं। कभी इस चीज़ की केयर ना करें कि आपका घर कितना मैसी है और खुद पे डाउट भी ना करें
करें कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजर नहीं हैं। ये बस कुछ ही टाइम की बात है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी आपका बर्डन भी कम होता जाएगा। मेस को थोड़ा कम करने और फास्ट क्लीनिंग के लिए कुछ लॉन्ड्री बास्केट्स और कुछ बॉक्सेस जरूर रखें जिनमें जल्दी से चीज़ों को समेटा जा सकता है, ताकि जब छोटे बच्चे टॉयज वगैरह फैला देते हैं तो उनको बास्केट्स में डाला और साइड रख दिया। सेम एज क्लोज फोल्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो उनको यहाँ वहाँ फैला के रखने की बजाय बास्केट्स या स्टोरेज बिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद जब भी टाइम मिला आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं। सुबह उठते ही और दिन ढलते ढलते बच्चे अपनी मदर के साथ सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। सो मैनेजमेंट ऐसा हो कि तब कुछ टाइम आप अपने बच्चे को ज़रूर दे सकें। अदर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेने में कभी भी हेजिटेट ना करें। फैमिली का काम होता है हर सिचुएशन में सपोर्ट करना, फिर चाहे घर में सिर्फ हस्बैंड या एल्डर चाइल्ड ही क्यों ना हो। काम करते हुए बच्चे को ऐसी जगह बिठाएं जहां आपकी नज़र उस पर रहे और आप उसे बात भी करती रहें। बच्चे के साथ जितना घर हम मैनेज कर सकती हैं उतना हम लेडीज़ करती हैं। फिर भी अगर कोई आपके मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। किसी की बातों से खुद को कभी इफ़ेक्ट ना होने दें, क्योंकि खुद को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना ही आपके और आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। रिसेंटली हमने एक पपी अडॉप्ट किया है। उसकी क्लीनिंग, फीडिंग और उसे एंगेज रखना ताकि मैं अपने काम इजीली कर सकूं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मुझे वापस उस सिचुएशन में ले गई हैं जो हम एक छोटे बच्चे के साथ फेस करते हैं। उसके साथ मेरी रूटीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे मैं सब चीज़ें मैनेज कर रही हूं, जल्दी ही उसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक्स और कॉमेंट्स के थ्रू अपना प्यार देना ना भूलें। See you in the next video. Till then, bye. Take care and stay healthy.